जी फ्रेंड्स, मैंने आज आपके लिए बना रही हूँ ऑमलेट। इसमें मैंने सिर्फ ऑनियन डाला है, ग्रीन चिली डाली है और सब्ज़ धनिया यानी ग्रीन कोरिएंडर। इसके साथ साथ मैंने दो अंडे ऐड किए हैं। इसके थोड़े से ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अंडों को बीट कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1/4 टीस्पून ज़ीरा, वाइट ज़ीरा, ठीक है। इसके साथ मैं इसमें नमक ऐड करूँगी और नमक के साथ साथ नमक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और साथ साथ मैं इसमें एक चीज़ जो ऐड करने जा रही हूँ वो है दूध। बस इस रेसिपी में चेंज ये है कि आपने इसमें मतलब कि 1 टेबल स्पून दूध का ऐड करना है और आपकी मज़ेदार ऑमलेट आपका रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने इसको बीट करना है। इसका एक ख़ास टिप ये है कि इसको मैंने 5 से 6 मिनट बीट करना है बहुत अच्छी तरह से। और जब ये अच्छे से बीट हो जाएगा इसके ऊपर झाग आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि हाथ से करना ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर हाथ से करने को देती हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि जितनी आप इस पर मेहनत करेंगे उतना ही आपको इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। जी फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं करने जा रही हूँ, मैं इसको बीट कर चुकी हूँ, 5 मिनट मुझे मुकम्मल हो चुके हैं। ऑयल को मैं प्री हीट कर चुकी हूँ पहले से ही। मैं इसको चेक इस तरह करूँगी कि देखिए मेरा ऑयल मुकम्मल हो चुकी हीट हो चुका है। इसमें मैं रखूँगा ही, अब मैं इसको इसमें ऐड करने जा रही हूँ। आप इसको अच्छे से साफ करके अपनी उंगली से चीज़ों को इस्तेमाल करें, किसी चीज़ को ज़ाया नहीं किया करें। जी फ्रेंड्स, ऑमलेट माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो रहा है। अच्छा, अब करना है, अब आप इसको इस तरह अच्छे से आपस में मिक्सअप कर देंगे, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छा तो इसको मैं 5 मिनट के लिए स्टीम पे कर दूँगी। जैसे ही मैं इसको स्टीम पे करूँगी और टर्न करूँगी तो मेरा ऑमलेट इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। 5 मिनट इसमें कम रखेंगे बस, ठीक है। जी फ्रेंड्स, मेरा ऑमलेट माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। मैं इसको टर्न कर चुकी हूँ वन साइड, अब मैं इसको दोबारा से टर्न कर रही हूँ। और इसको उतारने का तरीका ये है फ्रेंड्स कि मैं इसको यू साइड पर कर रही हूँ, ताकि ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह आप इसका फ़ायदा होगा। मैंने इसको साइड पर कर दिया, 5 मिनट बिल्कुल कम कर दी। अब मेरा ऑयल अच्छे से इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ऑयल सेंटर में आ जाएगा, जिससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ऑमलेट मेरा बिल्कुल साफ़ होगा, मुझे टिश्यू रखने की ज़रूरत नहीं होगी, दूसरा आपका ऑयल जो है उसकी भी आपको सेविंग होगी, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं इसको उतार रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम में बंद कर चुकी हूँ अपना। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर मेरे ऑमलेट का तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की ये क्यूक रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।